आसिफ यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी से, अपनी एक्सपीरियंस से ये बताएं कि सीएसएस प्रिपरेशन के दौरान आप टाइम किस तरह से मैनेज करते थे, एस्पिरेंट्स को क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए? यार मैं तो टाइम टेबल कभी नहीं बनाता था, ना ना मेडिसिन में ना सीएसएस में। टाइम टेबल बनाना ही एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि क्योंकि वो फॉलो नहीं होता कभी भी, और फिर वो एक और ठीक डिप्रेशन का पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, टाइम एक तरीका होता टेबल्स है, के तो एक टाइम टेबल बनाते हैं लोग, एक होता है टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ये चीजें जो हैं डेली करनी है, तो कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है, टाइम टेबल या ये टू डू लिस्ट जो है? यार, अब मेरे ख्याल में जो लोग अगेन एक पर्सनल चॉइस है, जो लोग टाइम टेबल के साथ काम करते हैं उनको उसकी आदत होगी, जो टू डू लिस्ट बना के करते हैं उनको उस चीज़ की आदत होगी, और दोनों फिर ठीक करें। मेरी अप्रोच बेसिकली एग्जाम में ये थी कि इंक्रीमेंटल बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही मैं चलता था, मैं इतनी बड़ी मेरी सोच थी नहीं। तो बेसिकली ये था कि मेरे जो गोल्स होते थे वो एक सब्जेक्ट को लेके होते थे, और इसमें यह था कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर कोई किताब उठाऊंगा तो मेरा होगा कि मैंने इस टाइम में ख़त्म करना ही है। और कई दफ़ा वो कुछ ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स भी होते थे लेकिन फिर मैं वो पूरे करता था, लेकिन वो सिर्फ मेरे छोटे मोटे गोल्स होते थे और वो पूरे करके फिर टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे ऐसे दिन भी आते थे जिनमें मैं कुछ नहीं पढ़ा करता था, मतलब फुल चल, कोई भी किताबों को हाथ भी नहीं लगाया, तो बहुत ब्रेक्स और इस तरह से रैंडम तरीके से मैं पढ़ा करता था, मतलब एट अ स्ट्रेच भी पढ़ूंगा बहुत ज़्यादा बैठ के और बिल्कुल किताबों को हाथ भी नहीं लगाया इस तरीके से। ठीक हो गया।